नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। सुशांत सिंह राजपूत का आज प्रथम पुण्यतिथि है, इस पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर में क्या आयोजन है इनके बारे में जानेंगे, और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत है उनको इंसाफ अभी तक नहीं मिला है, इसके बारे में भी क्या कुछ कर रहे हैं उनसे भी हम जानते हैं। पहले हमारे साथ हैं विशाल जी। विशाल जी से हम जानते हैं कि आज पुण्यतिथि है, आयोजन का क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे। आज सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि है, तो जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत का व्यक्तित्व था कि वो हमेशा लोगों की भलाई करते थे, तो इसी के लिए हम लोगों ने आज जो उनकी पुण्यतिथि थी उस पर हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का कैंप लगवाया है। प्रथमा ब्लड बैंक है, उनके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है और ब्लड डोनेट करेंगे लोग, पुण्यतिथि भी मनाएंगे और सुशांत सिंह राजपूत तो कुछ आर्टिस्ट हैं वो ट्रिब्यूट भी देंगे। उसके बाद हम लोग गरीब लोगों में भोजन कराने का हम लोगों ने आयोजन कराया है, गरीब लोगों को हम लोग भोजन कराएंगे, क्योंकि इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत भी लोगों की मदद करते रहते थे, तो इसीलिए उन्हीं के आदर्श पर चलते हुए हम लोग आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। उनको इंसाफ नहीं मिला है, केवल सीबीआई से जांच हुई लेकिन अभी ठंडे बक्से में डाल दिया गया, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले तो ये बिहार में यहाँ पे राजीव नगर में केस हुआ, उसके बाद जो सबसे बड़ी जो न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग केस को पहुँचाएँ और उसके बाद सीबीआई को जांच के लिए दिया गया है, तो हम लोग तो सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट से ही हम लोग को उम्मीद है। अब उसके बाद भी अगर सुशांत सिंह को न्याय नहीं मिल पाता है तो ये समझिए पूरे देश के लिए दुर्भाग्य है। हम लोग अभी भी उम्मीद है कि जैसे कि एनसीबी और ये लोग जाँच कर रही है, अभी कुछ दिन पहले पिठानी को भी पकड़ा गया है और जो उनका नौकर था नीरज उसको भी लेटर भेजा गया है मौजूद होने के लिए, तो हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद कर रहे हैं, मगर जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग की जो लड़ाई है जस्टिस फॉर सुशांत ये कंटिन्यू हम लोग की चलती रहेगी। सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी ने हाई कोर्ट में एक फिर से याचिका दायर किया था और उस याचिका को खारिज कर दिया गया है, इसके बारे में क्या? देखिए बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अभी तक सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था अभी तक सरकार ये फैसला नहीं कर पाई है, कोई इसमें ये नहीं बोल पाया है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है या सुसाइड किया है। अगर इस पर अगर आप फिल्म बना देते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत है वो मतलब सुसाइड किया है, तो ये समझिए अपने देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक उभरता हुआ एक एक्टर था, बहुत लोग मतलब उनको लाइक करते थे, जो युवा वर्ग हैं आप देख सकते हैं कितना उनके सपोर्ट में लोग उतरे रहते हैं। उस तरह से अगर किसी की छवि को ऐसे धूमिल किया जाए और दिखाया जाए कि वो सुसाइड कर लिया है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल गलत है ये। तो अब चलते हैं दूसरे लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो सुशांत सिंह के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ जो महिलाएं हैं उनके समर्थक हैं उनसे भी जानते हैं। जी, सुशांत सिंह का जो है आज जस्टिस फॉर सुशांत बैनर के तले हम लोग उनकी पहली पुण्यतिथि के अवसर पे ब्लड डोनेशन और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विशाल सिंह और दिलीप सिंह। सच के ये तो मेरे भाई जैसे थे और मैं और मीतू दी हम लोग क्रिकेट साथ खेला करते थे, वो भी आते थे, तो आज उनकी पहली पुण्यतिथि है और उन्हें श्रद्धांजलि देने में हमारे लव्स भी साथ नहीं दे रहे हैं। वो जहाँ भी हों, वो जिस भी दुनिया में हों, वो खुश रहें आज उनके इस पुण्यतिथि पे, हम लोग यही विश करते हैं उनके लिए। मैं सागरिका चौधरी, जनता दल यूनाइटेड। हमारे साथ एक और हैं, उनसे भी जानते हैं जो सुशांत सिंह के फैन हैं। आज जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर तले हम लोग पहला पुण्यतिथि सुशांत भाई का, मैं तो उसको भाई बोल के ही संबोधित करती हूँ, और बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे बिहार का लाल, जो कि हम लोग सबका चहेता था और बिहार का नाम रोशन कर रहा था, और मुंबई में इतने बड़े हम लोग ने इतना बड़ा क्षति, बिहार के लोगों ने इतना बड़ा क्षति किया है। और मैं तो, मेरे तो लफ्ज़ ही काम नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी मैं उसे देखती हूँ या उसका कोई भी मूवी या कुछ भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे घर का कोई अपना, बिल्कुल अपना ही था। और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि उसकी आत्मा को शांति मिले वो जहाँ रहे, और हम लोग ये मुहिम जारी रखें जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिलता है, हम लोग इस मुहिम को जारी रखें। और आज यहाँ पे प्रथमा की तरफ से ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो लोग भी ब्लड डोनेट करना चाहें वो करें। तो बस, तो आपने सुना कि जो सुशांत सिंह के समर्थक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इसको लेकर
कई लोगों से भी और बात करते हैं जो हमारे एक साथी हैं जो समर्थक हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी, सुशांत सिंह राजपूत का आज पुण्यतिथि है, क्या आयोजन कर रहे हैं और इंसाफ को लेकर के क्या कर रहे हैं? हम लोग तो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी इसको इंसाफ मिला जाए। ये तो दुर्भाग्य है हम लोग का, देश का, कि इस पर कोई ना मीडिया क्रम न माने न पॉलिटिक्स कोई नहीं ध्यान दे रहे हैं। जो भी हो रहा है, जो माने छोड़ दिया गया है कि जो न्याय हो ना हो छोड़ दिया गया है। और आज हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं और ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं। 13-14 जून रात के अंधेरे में सुशांत की हत्या की गई थी, बिहारी प्रतिभा की हत्या की गई थी और अगले दिन उसे आत्महत्या साबित करने की नाकाम कोशिश की गई। टीम जस्टिस फॉर सुशांत पिछले एक साल से लड़ रही है इंसाफ के लिए। आज हम सब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, रक्तदान करेंगे और अपने संकल्प को दोहराएंगे कि जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता हम सब लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि जब तक रक्तदान हम लोग करते रहेंगे जब तक कि उनको न्याय नहीं मिल जाता है। हमारे सहयोगी हीरालाल के साथ मैं संजीव कुमार।